हारने क्या न तुझे साथ ले जाए कभी सभी गुलों को पूछा कर हो गया पुत्र, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? मारुति कहाँ हो तुम? तुम्हें कुछ हो गया है क्या पुत्र? तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ रही है। रुक जाओ अंजना, उस ओर जाने से तुम संकट में पड़ जाओगी। आगे मार्ग नहीं है। ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अवश्य ही मारुति को कुछ हो गया है। मारुति, मारुति, तुम कहाँ जाओगी? वहाँ दुर्गम घाटियां और पर्वत हैं। वहाँ कितनी भी दुर्गम घाटियां पर्वत क्यों ना हो, मैं अपने पुत्र के पास अवश्य जाऊंगी। जाने दीजिए मुझे, मेरा पुत्र है वहां। यदि मारुति वहां है तो वहां मैं जाऊंगा सैनिकों के साथ। तुम नहीं जाओगी। उस ओर मत जाइए देवी अंजना। वायुदेव, आप भी मुझे वहां जाने से रोक रहे हैं। क्या हुआ है मेरे पुत्र मारुति को? आपने तो उसकी कुशलता का उत्तरदायित्व लिया था, फिर वो वहां क्यों है? मैंने उसे उड़ते हुए नहीं गिरते हुए देखा है। सत्य कह रही हूं वायुदेव, यदि मारुति कुशलता से है तो बुलाइए उसे यहां मेरे समक्ष, या फिर आपकी कोई नई क्रीड़ा है, ये कोई नया प्रशिक्षण दे रहे हैं आप उसे। कैसे बताऊं मैं, क्या बताऊं कि मारुति? नहीं नहीं, क्या सोच रहे हैं आप वायुदेव? बुलाइए उसे, फिर मैं उसे बुलाऊं। मारुति, मारुति, मारुति! उत्तर क्यों नहीं दे रहा मेरा पुत्र? आपकी ये चुप्पी किसी अनहोनी का संकेत दे रही है। बताइए ना, क्या हुआ है मेरे पुत्र को? वो वहां कैसे गिरा? क्या हुआ है उसे? ऐसा क्या अनर्थ घटित हुआ है मेरे पुत्र के साथ जो आप मेरा सामना करने से बच रहे हैं? कुछ तो बोलिए, बोलिए वायुदेव। एक व्यथित मां से उसके पुत्र की बात मत छुपाइए, बोलिए, बताइए वायुदेव, आपको बताना ही होगा। बोलिए वायुदेव, कहां है मेरा पुत्र, बताइए मुझे।
चिंता मत कीजिए देवी अंजना, आपका पुत्र आएगा, मैं उसे सकुशल आपके समक्ष लेकर आऊंगा। धैर्य रखिए। धैर्य? धैर्य कैसे रखूं मैं? कब तक रखूं मैं? मैंने अपनी आंखों से अपने पुत्र को आकाश से गिरते हुए देखा है। आप मेरे पुत्र को यहाँ लेकर आइए, मेरी आंखें उसे देखने के लिए तरस रही है। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती, ले आइए मेरे मारुति। इस कमल पुष्प को आप अपने पास रखिए देवी, मैं आपके पुत्र को सकुशल आपके समक्ष लेकर आऊं। मैं आपको वचन देता हूं देवी कि मैं वायुदेव इस पुष्प के मुरझाने से पूर्व आपके पुत्र मारुति को सकुशल आपके समक्ष लेकर आऊं। ये मेरा प्राण, ये मेरा प्राण, ये मेरा प्राण। वायुदेव, ये वायुदेव क्या कर रहे हैं? किस अधिकार से वो ये वचन दे रहे हैं उस बालक की मां को कि उसके पुत्र को वो सकुशल वापस लाएंगे? वो मेरे कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये अनुचित है। अनुचित कार्य तो आपने किया है देव राजेंद्र। प्रणाम देव बृहस्पति। कबोध बालक पर वज्र जैसे प्राण घातक अस्त्र से प्रहार किया आपने, आपके हाथ थरथराए नहीं ऐसा करते हुए। अबोध मत कहिए उसे देव गुरु बृहस्पति, यदि वो मुझसे क्षमा मांगता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, किंतु वो एक उद्दंडी बालक था, मैंने जो भी किया वो उचित था। सृष्टि के विधान और नियमों के अनुसार ही मैंने न्याय किया है। न्याय? यदि आप इसे न्याय की संज्ञा दे रहे हैं तो आपके न्याय की परिभाषा में सुधार की आवश्यकता है। न्याय अन्याय का ज्ञान है मुझे देव गुरु बृहस्पति, मैं देवों का राजा देवराज इंद्र हूं। समस्त सृष्टि और प्रकृति को विधान और नियमों के अनुसार संचालित करने का उत्तरदायित्व मेरा ही है। उस बालक ने घोर अपराध किया था। इंद्रदेव, अपराध के पीछे कोई आपराधिक भावना थी या नहीं, अपराध करने वाले की आयु क्या थी, इन सब को ध्यान में रखते हुए न्यायकर्ता को दंड देना चाहिए। एक बालक ने कितना भी घोर अपराध किया हो, किंतु संसार के किसी भी विधान में एक अबोध बालक के लिए मृत्यु दंड की व्यवस्था नहीं हो सकती, और यदि कोई ऐसा करता है तो वो स्वयं अपराधी माना जाएगा। देव गुरु बृहस्पति, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने अन्याय किया है तो मैं अभी इसी क्षण आपको देव संहिता दिखा देता हूं, जिसमें कहीं भी कभी भी व्यस्क या बालक का उल्लेख ही नहीं किया गया है। प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करने वाले को केवल दंड ही मिलता है, वो प्रकृति कभी स्वयं देती है या फिर मुझ जैसा देवता। यही न्याय व्यवस्था
देव संहिता की है। देव सह्याद्री जाओ, जाकर देव संहिता ले आओ और दिखाओ देव गुरु बृहस्पति को, जो स्वयं उन्होंने ब्रह्मदेव के साथ मिलकर बनाई है। अभी प्रमाणित हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है या देव गुरु जो कह रहे हैं वो सत्य है। देव संहिता नियमावली का मुझे भली भांति स्मरण है देवराज इंद्र, किंतु एक ऐसा अबोध बालक जिसका जन्म ही देव कार्यों की सिद्धि के लिए हुआ था, उसका अंत करके आपने स्वयं देवों के कार्य को संपन्न करने के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दी है। देवों के कार्यों की चिंता आप न करें देव गुरु, समय आने पर सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। बस बस मैं जितना समझा सकता था आपको उतना मैंने समझा दिया, फिर भी आप स्वयं को उचित ठहरा रहे हैं देवराज इंद्र। मुझ देव गुरु बृहस्पति की बात यदि आपको असत्य प्रतीत हो रही है तो मेरे लिए देव गुरु पद का त्याग ही उचित है। हाँ? देव गुरु तो रुष्ट होके चले गए, देव गुरु ने अपने पद का त्याग कर दिया। ये सब क्या हो रहा है स्वामी? देवों के राजा होकर भी इंद्र ने ऐसा कृत्य किया और उसे उचित भी ठहराया। ये देवों के राजा होने का ही अभिमान था प्रिय, जिसने देवराज इंद्र को दृष्टिहीन बना दिया, जिसके कारण उन्हें ना तो मारुति का अबोध बालपन दिखाई दिया और ना ही एक माँ की अपने पुत्र के लिए पीड़ा। इंद्र देव के मद की पराकाष्ठा है ये, किंतु देवी अंजना की ममता की पराकाष्ठा भी इस घटना में निहित थी। वो किसी भी परिस्थिति में अपने पुत्र तक पहुंचना चाहती थी। उनकी ममता ने वायु देव को भी विवश कर दिया कि वो उनका पुत्र उन्हें सकुशल वापस ला कर दे। उधर वायुदेव के वचन की भी पराकाष्ठा है कि यदि वो मारुति को सकुशल वापस ना ला पाए तो अपनी देह त्याग देंगे। ये तीनों पराकाष्ठाएं मारुति के जीवन को एक नया आयाम देने वाली थी। सभी ग्रहों नक्षत्रों और देवताओं को साक्षी मानकर आपको ये वचन देता हूँ कि मैं स्वयं को समाप्त करके भी आपके पुत्र मारुति को सकुशल वापस लेकर आऊंगा। यह अटल प्रतिज्ञा है मेरी, प्रतिज्ञा है मेरी।
मारुति पुत्र, इस अनहोनी की मुझे कोई आशंका नहीं थी। मैं जो कुछ भी कर सकता हूं अवश्य करूंगा तुम्हारे लिए। वायुदेव असमंजस में थे कि कहां जाए। क्रोध, क्षोभ और अपार दुख, ये अंतर मन की वो स्थितियां हैं जिनमें विवेक भी कार्य करना बंद कर देता है। वही वायुदेव के साथ भी हो रहा था। मारुति को वो पुत्रवत प्रेम करते थे, इसीलिए अपार दुख के सागर में डूब गए थे। किंतु ये भी शाश्वत सत्य है प्रिय, कि विपत्ति और दुख की घड़ी में माता पिता या भाई बंधु ही काम आते हैं। सबको अंतिम आशा अपनों से ही रहती है, इसीलिए कभी भी माता पिता या भाई बंधुओं से मतभेद या मन मुटाव नहीं रखना चाहिए। अंत में वही काम आते हैं। वायुदेव के यदि कोई थे इस संसार में तो वो त्रिदेव ही थे, इसीलिए वो उन्हीं की शरण में गए। हे जगत पालक श्री हरि विष्णु देव, हे जगत कर्ता ब्रह्मा जी, हे देवों के देव महादेव, अब आपके समक्ष है ये अबोध मारुति। आप त्रिदेवों से तो संसार में कुछ भी नहीं छिपा। एक अबोध बालक जो अपनी माता के नेत्रों में अश्रु देखकर उसका दुख दूर करने के लिए सूर्य लोक तक चला आया, मारुति ने तो बालपन में सूर्य को अपना ग्रास बनाया, किंतु इंद्रदेव तो बालक नहीं है, जो उन्हें यह भी ज्ञान नहीं कि एक बालक को कितना दंड देना चाहिए। हे त्रिदेवो, अन्याय हुआ है इस बालक के साथ। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया है इस पर। प्रश्न उस वचन का नहीं है जो मैंने देवी अंजना को दिया है, ना ही प्रश्न एक माता के विलाप का है। प्रश्न है देवराज इंद्र द्वारा किए गए इस अन्यायपूर्ण कार्य का। प्रश्न है इस अबोध बालक के जीवन का, जिसका जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ था। प्रश्न ये है कि जगत के समक्ष देवताओं के कौन से न्याय का रूप प्रस्तुत करेंगे हम। महादेव, आपका न्याय तो सर्व विदित। आपने मारकंडे को यमराज के मृत्यु पाश से मुक्त कराके उसके जीवन की रक्षा की थी। आपने जगत के कल्याण के लिए काल को पुनः जीवन दान दिया था। जब कार्तिकेय के हाथों उसकी मृत्यु हुई थी, आप मारुति को भी जीवन दान दे दीजिए प्रभु। पुनः जीवित कर दीजिए उसे, जीवित कर दीजिए मेरे मारुति को।
इसे पुनः जीवित कर दीजिए महादेव। हे भोलेनाथ, हे करुणा के सागर, हे कृपा सिंधु, एक समय आपके कृपा प्रसाद के रूप में मारुति मेरे आंचल में आया था। आज पुनः मेरा आंचल सूना हो गया है। इसे फिर से भर दीजिए भोलेनाथ। मैं शपथ लेती हूं कि यदि इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व मेरा मारुति सकुशल लौट कर नहीं आए तो मैं आपकी पुजारिन अंजना यहीं आपके चौखट पर अपने प्राण त्याग देख प्राण त्याग देख प्राण